प्रश्नोपनिषद भाग 42 ओंकार के एक अक्षर की उपासना। स यद्ये एकमात्रम् अभिध्यायित सतेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम् अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमामानं अनुभवति। अन्यव्यार्थ, यदि सह यदि वह उपासक एकमात्रम ओंकार के केवल एक मात्रा अकार को जानकर उसका अभिध्यायित सर्वदा ध्यान करता है तो सह वह तेन एव उस ध्यान के द्वारा ही संवेदितः प्रेरित हुआ तूर्णम एव शीघ्र ही जगत्याम पृथ्वी पर अभिसंपद्यते मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, क्योंकि तम उस उपासक को ऋचः ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोकम मनुष्य शरीर में ही उपनयन्ते पहुंचाती हैं। तत्र सह उस मनुष्य शरीर में वह उपासक तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा से संपन्नः युक्त होकर महिमा मानम अपनी महिमा का अनुभवती अनुभव करता है। भावार्थ, यदि वह उपासक ओंकार के केवल एक मात्रा आकार को जानकर उसका सर्वदा ध्यान करता है तो वह उस ध्यान के द्वारा ही प्रेरित होकर शीघ्र ही पृथ्वी पर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, क्योंकि उस उपासक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर में ही पहुंचाती हैं। उस मनुष्य शरीर से में वह उपासक तपस्या ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा से युक्त होकर अपनी महिमा का अनुभव करता है। भाष्य, स यद्यपि ओंकारस्य सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति तथापि ओंकारम अभिध्यान प्रभावात् विशिष्टाम एव गतिम गच्छति। एतद् एकदेश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरणः कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति। यद्यपि वह ओंकार के सभी अक्षरों को नहीं जानता जिनमें ओम का गठन हुआ है, तथापि ओंकार पर आंशिक ध्यान के प्रभाव से वह एक उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है जो ओंकार की शरण लेता है। वह इस तरह के आंशिक ज्ञान के दोष के फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान दोनों के फलों से वंचित होकर भी दुर्गति में नहीं पड़ता। भाष्य, किम तरहि यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ एव केवलो अभिध्यायित एकमात्रा सदाध्यायित सह तेन एव एकमात्रा विशिष्ट ओंकार अभिध्यानेन एव संवेदितः संबोधितः तूर्णम क्षिप्रम एव जगत्याम पृथिव्याम अभी संपद्यते। तो फिर क्या होता है? चूंकि इस प्रकार वह ओंकार के केवल एक अक्षर का ज्ञाता होकर उसी का निरंतर ध्यान करता रहता है, उस ओंकार के केवल एक अक्षर के ध्यान के द्वारा ही वह बोध को प्राप्त होकर शीघ्र ही जगत को प्राप्त कर लेता है।
भाष्य किम मनुष्यलोकम अनेकानि ही जन्मानि जगत्याम संभवति तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्यलोकम एव ऋचः उपनयन्ते उपनिगमयन्ति। क्या प्राप्त कर लेता है मानव जन्म? इस जगत में अनेक प्रकार की योनियों में जन्म संभव है, परंतु ऋचाओं ऋग्वेद के मंत्रों पर ध्यान करने से वे ऋचाएं ही उसे मनुष्य योनि में ले जाती हैं। भाष्य ऋचः ऋग्वेद रूपा ही ओंकारस्य प्रथम एकमात्रा अभिध्याता तेन सह तत्र मनुष्य जन्मनि द्विज अग्रयः सन तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धयः च संपन्नः महिमानं विभूतिम् अनुभवति न वित्त श्रद्धो यशेष्ट चेष्टो भवति योगभ्रष्टः कदाचिद् अपि न दुर्गतिम् गच्छति। ऋग्वेद रूपा ऋचा मंत्र के एक अक्षर पर ध्यान करने वाला इसके द्वारा वह मनुष्य लोक में द्विज श्रेष्ठ होने के बाद तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर सकामी होने के कारण ऐश्वर्य या विभूति का अनुभव करता है। वह श्रद्धाहीन यथेष्टाचारी नहीं होता। यदि कदाचित वह योग भ्रष्ट भी हो जाए तो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जय श्री रामकृष्ण।